नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एसो पंच नमुक्कारो सर्व पावप्पणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने लोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नीचे चौका रखा भैया को दे दो, नीचे पाटा रखा भैया को दे दो। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में निशंकित और निकांक्षित अंग का स्वरूप देखा। निकांक्षित अंग आचार्य महाराज परिभाषा लिखते हैं, कर्म परवशे, कर्म परवश्य यानी कर्मों के अधीन। वशे का अर्थ परवश होता है, तो कर्मों के अधीन क्या है? जो संसार का सुख है, उस संसार का सुख कर्माधीन हुआ करता है। यदि साताविधि कर्म का उदय है तो सुख की प्राप्ति होगी। और साताविधि कर्म के उदय के साथ में इसके साथ और भी पुण्य प्रकृतियों के उदय की आवश्यकता होती है। यदि नरकों में साताविधि कर्म का उदय आवे तो भी वहां सुख की अनुभूति नहीं होती। तो साताविधि कर्म के उदय को भोगने के लिए मनुष्य गति या देवगति हो, पंचेंद्रिय जाति हो, मनुष्यायु का उदय हो आदि आदि प्रकृतियां भी आवश्यक हैं, तब कहीं वो सुख प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो बहुत अच्छी पंक्ति, इसको हमेशा अपने कंठ में रखो। संसार के सुख के प्रति यदि किसी का रुझान है, रुझान माने लगाव है, तो उसे पंक्ति रटो, कर्म पर्व से
कर्मों के अधीन है। आपके पास पूर्व का किया हुआ पुण्य कर्म होगा तो वर्तमान में सुख की अनुभूति कर सकते हो, और यदि पूर्व का किया हुआ पुण्य कर्म नहीं है तो आप कितना भी पुरुषार्थ करना सुख की प्राप्ति का सुख मिल नहीं सकता। व्यक्ति को कोई सुखी दुखी नहीं करता, सुख और दुख इस स्वयं के किए हुए कर्मों के अधीन हुआ करते हैं संसार अवस्था में। तो फिर जब कर्म का उदय आएगा तो सुख मिलेगा, फिर आशा करने की जरूरत क्या? कर्म पर्व से लिखा ना, कर्मों के अधीन है। और दूसरा विशेषण दिया शांति, वो जो सुख मिल रहा है वो अंत से सहित है, ऐसा नहीं कि शाश्वत। शाश्वत सुख तो सिर्फ सिद्धों के है, और संसार में किसी भी जीव को स्थायी सुख नहीं है, वो सब कर्माधीन सुख है। चाहे कितना बड़ा ही पैसे वाला व्यक्ति हो, तो पैसे वाला व्यक्ति भी दूसरों को देखने में लगता है कि ये सुखी है। अपन कहते हैं ना, अरे बहुत संपन्न, लेकिन संपन्न व्यक्ति के पास भी आप जाकर के देखो और हृदय से पूछो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा उनके साथ भी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखा, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। अब किसी के पास धन नहीं है तो दुखी है, धन है तो भी दुख है, और धन नहीं है तो भी दुख है। इसलिए शांति शब्द दिया, इंद्रियों से जो सुख हो रहा है वो अवसर आने पर समाप्त भी हो जाता है, शांत हो जाता है। और फिर एक तीसरा विशेषण दिया है, दुख ही अंतरितोदय। इस संसार का सुख दुखों से अंतरित है, अंतरित है माने मिला हुआ है। एक वस्तु की प्राप्ति से अपन सुख का अनुभव करते हैं, वो तत्काल किसी दूसरी वस्तु की डिमांड हो जाती है। होता है कहीं ना कहीं कोई कमी बनी रहती है। एक व्यक्ति था, बड़ा परेशान था, परेशान इस चीज से था
कि वो उसकी पत्नी कहती थी बाजार से ये सामान लाना। ठीक, ला दिया, ला के रखा, फिर कहता ये और लाना, फिर वो वस्तु ला के रखी, फिर कहता अब ये और लाना। बड़ा परेशान। एक दिन उसने सोचा कि आज बाजार में जितनी चीजें मिलेंगी मैं सब ले जाऊंगा। ताकि मेरी पत्नी जाने के बाद ये ना कहे कि तुम ये चीज भूल के आए, और ये भी ना कहे कि अब हमें इस चीज की आवश्यकता। बाजार में जाकर के उसने सब दुकानों पर तलाश की और एक एक सुई से लेकर के मूसल तक सब कुछ लाया। अब पत्नी के सामने ला करके रखता, देख आप ऐसी कोई वस्तु बाकी नहीं है जो इसमें कमी हो। सब कुछ देखती है, देखते देखते कहती तुम एक चीज तो भूल आए। क्या बाकी है? आंखों में अंजन आंजने के लिए तुम सलाई भूल के आ गए। बताओ, इस संसार का सुख है कि जितना सुख है वो दुखों से मिला हुआ है। सर्वथा कोई सुखी हो नहीं सकता, दुख ही रंतरितोदय, पाप बीजे सुखे। और जो सुख है पाप बीज है, पाप का बीज है। देखो क्या लिख रहे हैं महाराज, जिस सुख को भोग करके हम अपने आप को आनंदित मानना चाहते हैं, सुखी मानना चाहते हैं, तो ये पदाचार्य सामंत भद्र महाराज ने ये डाल दिया कि तुम इस सुख को भोग करके पाप का बीज बो रहे हो। भोगोगे ऐसे सुख को कि नहीं भोगोगे बताओ? पाप बीज है। किस वस्तु से सुख मानते हो आप बताओ? नाम तो बताओ कि सुख नाम किसका है? अभी तक अपन वास्तव में सच्चे सुख से परिचित नहीं है। दुख को ही सुख मान रखा है, तो उन इंद्रियाधीन सुखों को भोगने में हम आनंदित होते हैं, लेकिन ध्यान रखो पाप बीजे कहा है। जिस वस्तु को भोग करके आप सुख की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हो, वो वर्तमान में तो सुख जैसा लग रहा है, लेकिन भविष्य के लिए पाप का बीज है। और पाप का बीज बो करके फल कौन सा प्राप्त करोगे बताओ? पेड़ बबूल लगा के भैया आम कहां से पाओ?
पेड़ किसका लगाया, फल कौन सा मिलेगा, बबूले ही मिलेगा, आम नहीं मिल सकता। वर्तमान के सुख को सुख मान करके यदि आप चाहो कि हम परभव में सुखी होंगे, संभव नहीं है, दुखी ही है। तो फिर क्या करें भाई साहब, क्या करें? ऐसा करो कि जिससे ये भाव भी सुखी हो और पर भाव भी सुखी हो। एक बार अकबर ने बीरबल को 3 रुपए दिए, और कहा कि बीरबल 1 रुपए में आपको यह भाव की वस्तु खरीदना है, और 1 रुपए में परभव की वस्तु खरीदना है। और 1 रुपए में ऐसी वस्तु खरीदना है कि जो ना इस भाव की है ना परभव की। आप लोग क्या करोगे? 1 रुपए में आता क्या है बताओ? राजा का आदेश। तो बीरबल ने 1 रुपए के चना खरीदे, चना कच्चे नहीं, सिके चना, हाथ ठेला पे बेचते ना लगभग। और 1 रुपए दान में दे दिया, और 1 रुपया भिखारी को दे दिया। अब तीनों काम करके बादशाह के सामने आए, तो 1 रुपए के जो चने थे वो बादशाह के सामने रख दिए। महाराज ये बहु की वस्तु है, और 1 रुपए की दान की रसीद सामने लाकर के रख दी। महाराज ये परभव की वस्तु है, और 1 रुपए भिखारी को देकर के राजा के सामने खड़ा किया, कहा महाराज ये 1 रुपए की वस्तु है कि ये ना यह भाव की है ना पर भाव की है। 1 रुपया इसको हमने दे दिया, जे अभी जाकर के दारू पिएगा, सो इस भाव में भी कुछ नहीं मिल रहा, और भीख मांगते मांगते मरेगा, सो भिखारी दुर्गति का पात्र होगा, सुगति को प्राप्त नहीं हो सकता। तो ना यह भाव का है ना पर भाव का। तो ये जो हमें सुख है, इस सुख के काल में यदि हम ऐसा कोई उपाय करें कि इस भाव में भी सुख मिले और पर भाव में भी सुख मिले, ऐसी कोई बुद्धि लगा लो, ये कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता, हर व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि अपने पास समय थोड़ा है और रास्ता बहुत लंबा है। कितना समय है बताओ?
पता है, इतना थोड़ा समय है कि अपने जीवन का आधा समय तो वो भी निकल गया, निकल गया ना। कुछ लोगों का आधा से ज्यादा भी निकल गया होगा। तो उस समय को अपन गिनती में लें कि ना लें, वो तो अब कुछ काम में आने वाला है ही नहीं। अब जितना शेष है उस शेष में भी पूरा समय आपका है क्या? नहीं। उस शेष जीवन में आधा समय तो सोने में जाना है। रात बात में गई और प्रात खात में गया, फिर एक दिन हमारी जिंदगी का गुजर गया। बात बात में रात व्यतीत हो जाती है और प्रातः काल होता है तो क्या होता है? प्रातः काल होते चाय दिखती है, पानी दिखता है, नाश्ता दिखता है, भोजन दिखता है, ऐसे है ना। तो दिन तो खाते खाते निकल जाता है और पूरी रात, रात तो पूरी होती है लेकिन लोग रात के दोपहर तो काय में व्यतीत करते हैं। आप लोगों की बात नहीं, कोई टीवी देखता है, कोई इधर उधर के गप सड़ाका हाँकता है, कोई शाम को घूमने निकल जाता है तो तीन चार घंटे मित्रों के साथ व्यतीत कर देता है और प्रातः काल होता है तो फिर वही काम चालू हो जाता है। तो 10-20 वर्ष बचे और यदि 20 वर्ष है तो 10 वर्ष तो रात के निकाल दो। कितने बाकी अपने पास? 10 वर्ष। अब 10 वर्ष में भी तुम्हें समाज का, संस्कृति का, परिवार का काम करना है, अपना पेट भरना है। अपने लिए देखो कितना समय है, कितना समय दे पाते अपन, ये विचारणीय स्थिति है। तो ये बहुत अच्छी पंक्ति आचार्य समंत भद्र स्वामी ने निकांक्षित तंग में एक एक शब्द ऐसा मार्के का रखा है कि जो संसार के सुख को सुख मानने वाले हैं उन सबके मान्यताओं को मटिया मैट कर दिया। पाप बीजे सुखी अनास्था, इस सुख में आस्था नहीं करना, आकांक्षा नहीं करना, उसका नाम निकांक्षित अंग है। ऐसे अंग का यदि पालन होता है तो सम्यक दर्शन सुरक्षित है, अन्यथा सम्यक दर्शन सुरक्षित नहीं है। अब आचार्य महाराज निर्विचिकित्सा अंग का वर्णन करते हैं। सुभावे तो सुचौकाए रत्नत्रे पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता स
सुभावितो सुचौकाये रत्नत्रे पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतेर वता निर्विचिकित्सता आप लोग पढ़ेंगे एक बार अब अन्वय अर्थ देखेंगे स्वभावतः स्वभाव से असुचौ असुचि अपवित्र काये शरीर में रत्नत्रय पवित्रते किंतु रत्नत्रय से पवित्रित पवित्र ऐसे काई माने शरीर में निर्जुगुप्सा गिलानी नहीं करना गुण प्रीति गुणों में प्रीति करना निर्विचिकित्सता मता निर्विचिकित्सा अंग माना है। यहां पर इस कारिका का भाव ये है कि सम्यक दर्शन का तृतीय अंग जिसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है तो आचार्य महाराज कहते हैं कि ये स्वभावता शरीर कैसा है पवित्र है कि अपवित्र है पक्का है। अच्छा तो नहाने से क्या पवित्रता नहीं होती है ऐ बाही होती है अंतरंग नहाने से शुद्धि होती कि नहीं होती जैसे एक मल का घड़ा भरा है और मल के घड़े में कुछ छेद हैं जिन छेदों से मल प्रस्रवण हो रहा है बह रहा है उस मल के घड़े को आप धोइए शुद्ध होगा कि नहीं होगा आ? नहीं होगा ना। तो इसी तरह शरीर है शरीर कैसा है स्वभावता नौ मल द्वार वहे निशिवासर इस शरीर में से नौ नौ मल द्वार कौन सी तारीख में बहते हैं तारीख निश्चित है कि नहीं है निशिवासर निशिवासर माने रात दिन कोई तारीख निश्चित नहीं है कि शरीर से सौ वर्ष की उम्र वाले व्यक्ति को बीस वर्ष के बाद मल झरेगा ऐसा है क्या निशिवासर
तो रात दिन जिससे मल झर रहा है, ऐसी मल झरने वाले शरीर को भी हम धोने में लगे रहते हैं। धोते हो कि कोई और सफाई करते हो, बताओ कौन कौन सी साबुन लगाते हो? साबुन लगाते कि बिना साबुन के लगाते? साबुन से तो शुद्धि होती होगी भाई साहब, नहीं होती क्या? बिना चर्बी की साबुन से लगा नहाए तो चर्बी वाली साबुन से भले ही अशुद्धि हो जाए लेकिन मेडिमैक्स तो अच्छी है ना, उससे नहाए तो शरीर की शुद्धि होगी कि नहीं होगी? नहाते नहाते भी पसीना आता रहता है, अनुभव किया कभी? नहाते नहाते भी पसीना आ रहा, तो यहां नहाते जा रहे हो वहां पसीना आता जा रहा, शुद्धि कहां हुई? ये तो स्वभाव से अपवित्र है। पंडित सदा सुखदास जी कहते हैं, चर्म के धोने से कर्म नहीं धुलते हैं। इस चमड़ी को धोते जाओ, इसके धोने से कभी कर्म नहीं धुलते हैं। कर्म को धोना है तो अंतरंग शुचिता होना परम आवश्यक। शरीर को भी शुद्ध नहीं होता, देह परस्ते होए अपावन, निस्दिन मल जारी। बारे भवन में पढ़ते ना मंगत राय जी के, उन्हें लिखा केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्त्र तू देख सारी, देह परसते हुए अपावन, निस दिन मल जारी। केसर लगाओ, चंदन लगाओ, जितनी भी पवित्र वस्तुएं इस शरीर के संयोग में आती हैं वे सब अपवित्र हो जाते हैं। यहां तक कि देखो बहुत बढ़िया पवित्र वस्तु आपने बना करके रखी है, इस शरीर का संयोग होने पर यदि आप दोबारा उसको निकाल करके देखते हो तो तुम्हें घृणा पैदा हो जाती है। बहुत बढ़िया आपने हलवा बनाया, हलवा जानते ना क्या कहते हैं? सीरा, सीरा कहते हैं। बहुत सुंदर देखने में लगा, साफ सुथरा कटोरी में भी रखा, और आपने भी हलवा खाना प्रारंभ किया तो खाने के पहले भी मंजन करके रखा, वो धुलिया ना। अब एक चम्मच हलवा लेकर के आपने मुंह में रख दिया, थोड़ा सा इधर उधर घुमा देना, चबाना, और उस हलवा को अब गले के भीतर ना ले जाकर के आप अपनी हथेली पर निकाल करके रखना। कब? मंजन किए हुए मुख में रखा है ना,
उस जीव और दांत का संयोग होने पर उस हलवा की अब मुंह से निकाल करके दशा देखो क्या हो गया। अब उस हलवा को मुंह से निकालने के बाद आपसे कहें भाई साहब 100 रुपया ले लेना, आप इसको खा लो, आप ही का है ना, दूसरे की बात नहीं कर रहे, दूसरे की बात तो छोड़ो, आपका शुद्ध हलवा और आपका शुद्ध मुख जिसको आपने कौन से गेट से साफ किया था, कोलगेट की इंडिया गेट, कई बार जीवी की थी लेकिन उसके बाद भी शरीर पर गया, कैसा हो जाता देखो। उस हलवा की दशा कैसे बिगड़ गई, देह परस्ते हो या पावन निस्दिन मल जा रही, कितनी भी पवित्र से पवित्र वस्तुएं हो इस शरीर का संयोग होते ही सब अपवित्र हो जाते हैं, घृणा का पात्र बन जाता है। तो ऐसा स्वभाव से यशुचि अपवित्र लेकिन रत्नत्रय पवित्र थे। क्या कहा जा रहा है, इस शरीर रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है, रत्नत्रय की प्राप्ति भी इसी शरीर के लिए होती है। आप इस शरीर की कितनी भी निंदा करते रहो लेकिन ध्यान रखना कि रत्नत्रय जब भी होगा तब इसी औदारिक शरीर से होना, तो आत्मा से है, शरीर में रत्नत्रय नहीं होता, लेकिन रत्नत्रय का आधार ये शरीर बनेगा, औदारिक शरीर ही होगा, कर्म भूमिया के मनुष्य का ही होगा। आचार्य महाराज कहते स्वभाव से यह पवित्र है लेकिन रत्नत्रय पवित्र थे, रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है, धन है रत्नत्रय हो जाए और सच्चे साधु उस रत्नत्रय के प्रभाव से देखो आत्मा तो परिवर्तित होती है लेकिन आत्मा के परिवर्तित होने के साथ साथ शरीर का स्वभाव भी परिवर्तित हो जाता है। शरीर से जो मल निकलता है वो मल भी औषधि का काम करने लगता है। सखिल विरजल मलौषधि सा स्वस्तिक क्रियासु परमर्षयोन, रत्नत्रय के प्रभाव से ये शरीर के अंदर से निकलने वाला पसीना भी जल औषधि बन जाता है, मल मूत्र आदि मल औषधि बन जाते हैं, मल औषधि बन जाता है, इतना पवित्र उस रत्नत्रय से हो जाता है कि ऐसे रिद्धिधारी महामुनि महाराजों के शरीर से यदि हवा भी छू करके निकल जाए तो वो हवा भी इतनी पवित्र हो जाती है कि जिन रोगियों के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया हो के अब तो इनको क्या करो, घर में रखो और राम नाम सत्य है सुनाओ, सुनाते कि नहीं सुनाते, राम नाम सत्य है ये कब सुनाते हो आप लोग हैं? अर्थी उठाते समय के अर्थी के पहले बताओ ना,
अर्थी पे पहुंच जाते हैं तब दुनिया सुनाती राम नाम सत्य है। अर्थी के पहले नहीं सुनाते। अर्थी पे क्या है, अर्थ बांध तो चला गया, कहते ना वो नहीं रहे, वो नहीं रहे। कौन? जो अर्थी पर सवार है। तो विचारणी स्थिति है कि ये शरीर अपवित्र है लेकिन रत्नत्रय का आधार हो जाए तो ये शरीर भी पवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में निर्जुगुप्सा गिलानी से रहित हो करके गुण प्रीति, देखो किस में प्रीति करना है, शरीर में प्रीति करना कि गुणों में प्रीति करना, गुण प्रीति लिखा है। तो शरीर में गुण कौन सा प्रकट हो रहा है, देखो रत्नत्रय पवित्रते लिखा ना, तो ये रत्नत्रय से पवित्र हुआ शरीर होने पर भी शरीर तो अशुचि है, आत्मा की विभाव परिणति है, स्वभाव परिणति नहीं है, है। लेकिन आत्मा के जो रत्नत्रय रूप गुण प्रकट हुआ है वो गुण उपाधि है। तो प्रीति किसमें करना है बताओ, गुणों में प्रीति करना है। ऐसी स्थिति जब बनती है उसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। पंडित दौलत राम जी ने बहुत अच्छी पंक्ति देख लिखी, मुनितन मलिन न देख घिनावे, मुनियों के मलिन शरीर को देख करके भी घृणा पैदा नहीं करना। वो घृणा हो रही तो किससे हो रही बताओ, ये विचार तो करो। आप बाहर निकले, बिष्टा पड़ा है, उस बिष्टा को देख करके लोग नाक गुड़ियाने लगते ना, बहुत बुरा गंदगी करते। लेकिन ये देखो कि वो बिष्टा भी कौन सी द्रव्य की पर्याय है, पर्याय पर भी तो विचार करो ना, पर्याय तो है ना, कौन से द्रव्य की पर्याय है, वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। तो क्या पुद्गल द्रव्य की जितनी पर्याय हैं सभी घृणा के पात्र हैं? शरीर भी तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, फिर इससे घृणा क्यों नहीं, उससे घृणा क्यों? तत्व के विषय में ऐसी अच्छी तरह से निर्णय करके वास्तविक अनुभूति करना वो निर्विचिकित्सा अंग माना है। अपन अब निर्विचिकित्सा अंग के बाद चौथा अंग अमूर्त दृष्टि है उसकी बात करते हैं। का पथि पथि दुखानां, का पतस्थि प्रसम्मतिः, असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति, रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते, का पथे पथि दुखानां, का पथस्थि पसम्मतिः,
असंप्रक्तिरनुकीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। आप लोग बोलेंगे एक बार, का पथे, का पथे का अर्थ होता है खोटे मार्ग में। का शब्द कुत्सित अर्थ में जोड़ा जाता, खोटे अर्थ में। तो का पथे खोटे मार्ग में, पथी पथी माने होता मार्ग में, दुखा नाम दुखों के, फिर का पथस्थे खोटे मार्ग में स्थित होने वाले पर। फिर निकलेगा अपि, असम्मति। अपि माने होता भी, असम्मति मन से सम्मति ना हो, असंप्रक्ति शरीर से सम्मति ना हो, अनुत्कीर्ति वचन से प्रशंसा ना हो, उसको अमूढ़ा दृष्टि उच्चते, अमूढ़ दृष्टि अंग कहते हैं। एक बार पुनः देखेंगे, अब अन्वय अर्थ देखेंगे, अभी शब्दार्थ देखा, अब अन्वय देखें। तो दुखा नाम दुखों के कारण भूत, का पथे खोटे मार्ग में, और का पथस्थे खोटे मार्ग में स्थित रहने वाले ऐसे जीव, इन जीवों की मन से वचन से काय से प्रशंसा नहीं करना। मिथ्यात्व का पोषण चल रहा है, विपरीत श्रद्धा है, खोटा मार्ग है। उस खोटे मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए आप सम्मति दे रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा, आप तो ऐसे करते करते जाओ, इससे आपको सफलता मिलेगी। अरे बेचारा व्यक्ति मार्ग भटका है, आपका कर्तव्य है कि उस भटके हुए व्यक्ति को सही मार्ग दिखाओ। सही मार्ग क्या है परिचय कराइए। भैया ये तुम्हें मनुष्य भाव में आकर के गृहित मिथ्यात्व धारण कराया गया है, अग्रहित मिथ्यात्व तो जीव के साथ अनादि से चल रहा है, लेकिन यहां आकर के वो अग्रहित मिथ्यात्व को और लोग मन वचन काय से पुष्ट कर देते हैं तो ग्रहित मिथ्यात्व की कोटि में आ जाता है। तो हमारा विपरीत मार्ग है, किसकी उपासना कर रहे हो आप?
रागी देसी देवों को आप देव मान रहे हो, जो धन और वस्त्र आदि को साथ में रखते हैं उनको आप गुरु मान रहे हो, ये विचारणीय स्थिति है, ये मोक्ष मार्ग है। सच्चा निर्णय करना परम आवश्यक है। आपकी धारणा बने या ना बने, लेकिन वस्तु स्वरूप को समझ अच्छी तरह से लेना चाहिए। यदि हमारे पास पक्षपात है, अरे ये तो अपने धर्म की बात बताता है, ये तो ऐसी बात बताता है, नहीं, सत्यता क्या है इसमें अनुभव करके देखो। आप एक चींटी नमक के पहाड़ पर रहती थी और एक चींटी शक्कर के पहाड़ पर रहती थी। शक्कर के पहाड़ पर रहने वाली एक दिन चींटी ने अपनी उस मित्र से कहा, सखी तुम अपना जीवन कहां नमक के पहाड़ पर गुजार रही हो, तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें मीठा मीठा खाने को मिलेगा। अब वो तैयार हो गए और नमक के पहाड़ को छोड़ करके वो शक्कर के पहाड़ पर चली गई। लेकिन उसने सोचा उस शक्कर के पहाड़ में मालूम नहीं नमक मिला कि नहीं मिला, तो ज्यादा नहीं अपने मुंह में एक नमक की डली तो दबा के चलो। अब वो नमक के पहाड़ को छोड़ करके शक्कर के पहाड़ पर चल तो देती है, लेकिन नमक की डली उसके मुंह में है, अब शक्कर के पहाड़ पर रह रही है, शक्कर के खाने का ढोंग कर रही है, शक्कर के पहाड़ पर रहने वाली चींटी ने पूछा, बहन बहुत आनंद आ रहा होगा, अब तो शक्कर खा रही ना, बहुत आनंद आ रहा होगा। बहन मुझे तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। अरे ऐसा कैसे, सत्यता बताओ, तुम्हारे पास नमक तो नहीं है, आप अपना मुंह खोल के बताओ। और मुंह खोल करके देखा तो उसके नमक की डड़ी एक मुंह में पड़ी थी। पहले इसको निकालो और निकाल करके फिर शक्कर का स्वाद लो, तब तुम्हारे लिए अनुभव होगा। साचो धर्म कौन है इसमें तुम पक्षपात तज कर देखो, ऐसा दौलत राम जी लिखता है। अनुभव करो। यदि हमारे अंदर भी वो पुरानी धारणा है और कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को आज तक हमने माना है और मान करके यदि हमको सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम भी मिल जावे, लेकिन वो कुगुरु कुदेव शास्त्र रूपी नमक की डली हमारे अंदर से ना निकले तो अनुभूति नहीं हो सकती है। इस अनुभूति को करने का प्रयास करो। इसलिए वस्तु स्वरूप को समझो और वस्तु स्वरूप को समझ करके जैसा का तैसा श्रद्धान करो, तब कहीं हम इस संग का पालन कर पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं। ये बड़ा मार्के का अंग है, इससे अपने अंदर की भूल निकलती है। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के प्रति यदि आपकी आस्था है
तो आप पक्का निर्णय करके आज ही सच्चे देव शास्त्र गुरु के उपासक बनो तो हम सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं। इस प्रकार अमूढ़ दृष्टि अंग श्रद्धा ऐसी हो, दुनिया कहीं जा रही मुझे दुनिया से कोई प्रयोजन नहीं। आज के लोग ये देखते हैं कि बहुमत किसकी ओर है, लोग ज्यादा कहां जा रहे हैं, इस ओर जा रहे हैं कि उस ओर जा रहे हैं। बहुमत नहीं, बुद्धिमत्ता से काम करो। आपने नाम सुना होगा समंत भद्र महाराज, अभी ये नंगों में प्रसिद्ध होने वाले लोगों के नाम बताएंगे तो अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करने वाला समंत भद्र महाराज को कोई पुरुष नहीं मिला, उनने एक महिला का नाम लिया है, रानी रेवती को आचार्य समंत भद्र महाराज ने रत्न करंडक श्राप का चार में रखा, कोई पुरुष नहीं मिला। क्या बात है, देखो महिलाएं भी आगे बढ़ गईं, कमाल की बात है। रानी रेवती के सामने प्रसंग आया है और वो प्रसंग ऐसा था कि एक छुल्लक जी अपने गुरु से आज्ञा लेकर के जा रहे थे किसी दूसरे स्थान पर तीर्थ क्षेत्र की वंदना के हेतु। तो छुल्लक जी अपने गुरु से कहते, महाराज जी मैं उस नगर में जा रहा हूं, किसी को कोई संदेश तो नहीं कहना। तो मुनि महाराज कहते हैं उस नगर में एक रानी रेवती रहती है, उसको धर्मवृद्धि बोल देना, आशीर्वाद बोल देना। छुल्लक जी सोचते हैं उस नगर में एक मुनि महाराज भी हैं बब्बसेन। तो छुल्लक जी ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर से कहा, महाराज और तो किसी से कुछ नहीं कहना, कुछ कहना। महाराज कहते और किसी से कुछ नहीं, रानी रेवती से कह देना। अब ये छुल्लक जी उस नगर में जाते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि हमारे गुरुजी ने महाराज को क्यों नहीं कहा, एक नारी को कहा है, बात समझ में नहीं आती। परीक्षा करो ना, और छुल्लक जी विद्याधर थे, महाराज की परीक्षा करने चले गए तो महाराज परीक्षा में खरे नहीं उतरे। तो छुल्लक जी ने निर्णय कर लिया कि हाँ महाराज महाराज नहीं है इसलिए हमारे गुरु ने इनका नाम नहीं लिया। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। अब रानी रेवती को देखना है, विद्याधर तो थे ही, प्रातःकाल पूर्व दिशा में ब्रह्मा का रूप बना करके जाकर के बैठ गए। सारे नगर के लोग दौड़ लगाए, ब्रह्मा जी आए ब्रह्मा जी आए, चलो दर्शन करना। रानी रेवती से कहा, ब्रह्मा जी आए हैं चलो आप भी। कोई ब्रह्मा नहीं, यदि कोई ब्रह्मा का बेस बना करके आया है तो माया भी हो सकता है। नहीं गई। दूसरे दिन वही छुल्लक जी विष्णु का बेस बना करके दक्षिण दिशा की ओर जाकर के बैठ गए। आज भी सारी दुनिया दौड़ लगा रही है। रानी रेवती से कहा तब भी मना कर दिया। तीसरे दिन महेश का रूप बना करके आ गए, नहीं गई। ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप बनाने के बाद चौथे दिन महावीर का समोसरण बना करके उत्तर दिशा की ओर जाकर के बैठ गए। अब तो रानी रेवती को आना पड़ेगा, महावीर की तो उपासक है ना। क्यों भाई आप लोग जाओगे कि नहीं जाओगे, महावीर का समोसरण आ जाए तो। रानी रेवती की तरह समझदारी कर लेना, नहीं तो गड़बड़ कर बैठो। महावीर का समोसरण लगा है,
आज तो बाल गोपाल प्रातः काल से नगर को छोड़कर के महावीर की पूजा करने जा रहे हैं। रानी रेवती के पास दुनिया जाती है, अरे मातुश्री अभी तक नहीं गई तो कोई बात नहीं, आज तो साक्षात महावीर पधारे तुम्हें दर्शन देने के लिए, चलो महावीर का दर्शन करो, पूजा करो, समोसरण लगा हुआ। रानी रेवती कहते महावीर अरे 24 तीर्थंकर होना थे सो हो चुके, अब 25वां कोई महावीर पैदा होने वाला है ही नहीं, पंचम काल है, तू कहां मायावी के चक्कर में पड़े हो, ये महावीर नहीं मायावी है, तुम लोग भूल में हो। तो या न गीता पुनरागमस्य, हे भगवान आपके मत में पुनरागमन का कोई उल्लेख नहीं, महावीर मोक्ष गए। आज भी देखते हैं रानी रेवती मात्र एक ऐसी श्राविका है कि जो महावीर के दर्शन को ठुकरा रही है। आज के तो शायद कोई है शेष ऐसे श्रावक श्राविका बचे हुए कि जो महावीर का समोसरण लग जाए वो लाभ लेने से वंचित हो जाए। उनको ये ख्याल ही नहीं कि महावीर नाम का कोई तीर्थंकर पहले हो चुका है, इसी अवसर पड़े काल में हो गया, अंतिम तीर्थंकर हो गया, और तीर्थंकर तो 24 ही एक अवसर पड़ी में होते हैं, ज्यादा तीर्थंकर कहां से पैदा हो जाएंगे, तो अनादि अनिधन परंपरा है। इस अनादि अनिधन परंपरा को भी तो ध्यान में रखो, कहां से 25वां तीर्थंकर मिलेगा तुमको। छुल्लक महाराज अपनी बिक्रिया को समेट करके 5वें दिन छुल्लक के बेस में आकर के रानी रेवती के यहां आहार करने आते हैं, और रानी रेवती ने बड़ी भक्ति के साथ छुल्लक जी को आहार कराया। तो छुल्लक जी पूछते महारानी जी आप महावीर की पूजा करने नहीं गई, लेकिन छुल्लक को तो खूब अच्छे से पड़गा के आहार दे रही हो। रानी रेवती कहती है कि आगम में महावीर के अवतार का कथन नहीं है, लेकिन छुल्लक इस पंचम काल में हो सकते हैं, मुनि पंचम काल में हो सकते, लेकिन पंचम काल में कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता है। छुल्लक तो है, मैं छुल्लक की भक्ति पूर्वक उनको आहार दान प्रगाहन करूंगा, लेकिन महावीर के दर्शन को भी नहीं जाऊंगा। ये होती है सच्ची श्रद्धा, हे अमूर दृष्टि अंग, कहां पर हमें क्या प्रयोग करना है इसको भी समझने का प्रयास करें। अपना समय हो रहा, बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय।